नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे किसान से बात करना चाहते हैं जो छोटे हैं से फॉर्म का मतलब अपना संचालन करते हैं, घर और जो घर की आवश्यकताओं के लिए जो दूध उत्पादन अपने हिसाब से एक दो गाय पाल के रखे हैं। हाँ सर, बताएं क्या आपका असर इस क्षेत्र में, कुछ अपना बताइए, क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं या क्या होना चाहिए जो सरकार आपको नहीं दे पा रही है। सरकार हम सबके का दे पावे, देखिए रहे हैं किसान के समस्या बहुत सा है। एक तो जानवर के रख रखाव में दिक्कत, दूसरा फसल का नुकसान, तीसरा किसान का जीवन बीमा कुछ है नहीं, मकोड़ा काट देवे तो जय हिंद जय भारत हो जाना है। करपी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे दवाई नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है, सब दवाई ववाई नहीं देता है। कोई डॉक्टर जो यहाँ वैक्सीन लगाने जो टीकाकरण बोलते उसके लिए भी नहीं आता है। कुछ वैक्सीन लगाने के लिए दो चार बरस पर एक आध बार कभी टीका के लिए आता है, वैसे आप तो ऐबे न करता है। तो इसका कंप्लेन होना चाहिए, मतलब काम ठीक से नहीं हो रहा है। कंप्लेन कीजिएगा, सब तो वही है, तो नीचे से ऊपर तक लोग करप्ट है। तो पशुपालन विभाग में कभी गए हैं इसका कंप्लेन किए हैं? अरवल नहीं गए हैं, करपी गए हैं। अच्छा, करपी में कोई डॉक्टर है जिसका आपको मतलब वो है कि यहाँ बैठता है कभी भी वो सप्ताह या महीने में? ऐसा नहीं हमको मालूम है। इनका ये गाय है और साहिवाल नस्ल की, ये बहुत ही टॉप क्लास की गाय है और अपने ज़रूरतों के पूरा करने के लिए इन्होंने एक ही गाय रख पाए हैं और एक बच्चा है। लेकिन इनकी समस्याएं बहुत बड़ी है और सभी को इसमें योगदान देना चाहिए कि ये जो सिस्टम खराब होने के वजह से सभी को बहुत तकलीफ होता है। जहाँ पे दो चार दस गाय पाल करके पूरा अपने सिस्टम से लेके सबको अपना घर समाज का एक मतलब नाम ऊँचा कर सकते हैं, यहाँ पर अलग नज़रिए से लोग देखेगा इनको, उन समस्याओं में सरकार को इस इनका साथ नहीं देता है। लोन बोलता है, इतना परसेंट सब्सिडी है, कुछ बताइए सर, कुछ देता नहीं है, जाने के बाद बैंक परेशान करता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है सर? बैंक में बहुत फेरा है, पहले कमीशन जितना आप कमाइएगा ना उतना उनको मैनेजर साहब को पैसे ही चुका दीजिए, उसके बाद मैनेजर साहब के पास जाइए तो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट और प्लान ढकान सब खोजने लगेंगे, ये जुटाइए, परेशान होके तो कहेंगे कि अभी पासे नहीं हुआ है, तो कभी ये न हुआ तो कभी वो न हुआ है, अभी हेड ब्रांच में जाएंगे। तो ये समस्या तो ये बिहार की विकास का ये नज़र है और आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं किसान कितने परेशान हैं और इनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, सिर्फ परेशान किया जाता है, अपने पैसे खर्च करके जाते हैं काम के लिए और इनको घुमा फिरा के शांत कर दिया जाता है कि और दोबारा यहाँ ना आ पाए, और ऐसे घुमाया जाता है बातों को। वहाँ पर दलाल के काम होगा, वहाँ पे जो लोग जिसका पैसा कौड़ी देना है घूस दे करके और सब काम करवाता है, सब पास करा लिया, तो ऐसे करप्शन पर काम डेयरी का होता ही नहीं है, वो सब पैसा लेता है और मैनेजर कुछ लिया और गाय ऐसे दिखा दिया दूसरा का भी, काम चल गया। तो मतलब ग्राउंड में जो है गाय आती नहीं है जो डेयरी फार्म के द्वारा जो सरकार जो दे रखी है, कुरान में इतना गाय दिया है, एको है कुछ हो सब मतलब कुछ भी बिना फॉर्म बिना गाय के ही मतलब सबके पैसा मिल गया और जिसको जो जिन्यून करने चाहता है दस पांच गाय उसको नहीं मिल रहा, मिल पाता है। तो ये सरकार की स्थिति है और आप लोगों से अवगत, ये इनका दाना रूम है और ये इसमें चोकर और यहाँ पे खल्ली भी रखे हैं और गायों को खिलाते हैं। और इधर है इनका तीसरे नंबर में ये जो मक्का का दारा है, समथिंग मोटा मोटी कवर करने भर दाना है इनके पास, और दो तीन प्रकार की खल्ली है इनके पास, सरसों राई तीसी। तो आप लोग देख सकते हैं ये है, ये इनका छोटा सा एक अच्छा फॉर्म था और अच्छे बातचीत इनसे जो संभव हुआ है, अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला है, समझने के लिए आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद।